वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। तो पिछले जो है लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें 17 लेक्चर नंबर में हमने होमवर्क दिया था, जो कि आज मैं 18 ले रहा हूं। और इसमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन होगा। वो डेफिनेट इंटीग्रल का है, यानी कि 0 to π/2 और डी थीटा यहाँ पर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह और यहाँ पर डी थीटा है। अब आप क्या करोगे इसमें कि कॉस स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड करो। ऐसे क्वेश्चंस में कॉस स्क्वायर थीटा से नीचे ऊपर डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से नीचे ऊपर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/cos²θ, ठीक है, अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यह हो जाएगा। अब जो है यहां पर हम इस चीज को 0 to π/2 ले लें तो 1/cos²θ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए बी टेन थीटा को आप मान लें टी, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहां पर अरेंज हो जाएगा। यहां पर ले लें लेट बी टेन थीटा इक्वल टू टी, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा, बी कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी थीटा, यानी कि यहां पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहां से आप रिप्लेस करेंगे तो डी टी अपॉन बी हो जाएगा, क्लियर। अब जो है यहां सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी अपॉन बी कर लेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, लेकिन लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा, तो लोअर लिमिट हम देखें यहां टी इक्वल टू जो है होगा बी टेन थीटा की जगह जीरो लिख दें, तो टेन थीटा की जगह जीरो लिखेंगे तो यह वैल्यू जीरो हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जीरो का जीरो हो गया। और अपर लिमिट अगर देखें हम तो अपर लिमिट ये क्या होगा, यह टी इक्वल टू बी टेन π/2 और π/2 की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी होती है, तो यह b इंटू इंफिनिटी यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, तो लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इनफाइनाइट हो गया। देयरफॉर अब यहीं से आगे आप इसको कंटिन्यू कर लें कि देयरफॉर ये चीज जो है अब बदल जाएगा 0 to, ठीक है, इसे i के बराबर लिख लें तो और अच्छा है, i लिखा करो, ठीक है, तो यहां पर लिखने में आसानी हो जाएगी i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी, 0 to ∞ और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी टी अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टी माने हो तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर डी टी अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि 1/b 0 to ∞ और 1/a² प्लस
टी स्क्वायर डी टी। और जानते हो टेन इनवर्स का फार्मूला है, तो आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन बी इंटू वन अपॉन ए टेन इनवर्स, यही होता फार्मूला टी अपॉन ए। ठीक है, ये हो जाएगा। और यह जो है लिमिट क्या लग जाएगा यहां पर, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए यहां हम देखते हैं वन अपॉन ए इस लिमिट से बाहर है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया, यानी कि वन अपॉन ए बी यह हो गया। और लिमिट किसके साथ आ गया, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी अपॉन ए जीरो टू इनफाइनाइट, यह हो जाएगा। तो ए बी वन अपॉन ए बी और टेन इनवर्स इंफिनिटी, टेन इनवर्स इंफिनिटी अपॉन ए माइनस टेन इनवर्स और जीरो अपॉन ए, तो ये इनफाइनाइट अपॉन ए मतलब इनफाइनाइट ही होना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए बी टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो। देखिए कितना सिंपली ये क्वेश्चन हो जा रहा है। टेन इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू, वन अपॉन ए बी टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो, यानी कि पाई बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो तो खत्म हो गया, तो पाई बाई टू से मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन टू ए बी। इनका आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन टू ए बी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो है निश्चित समाकलन के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे पहले हम परिचय करवाते हैं आपका। ये जो है सिक्स जो है डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज हैं या गुण हैं, उसको हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने होमवर्क जो दिया था वो हमने करा दिया है। ठीक है, आई होप इसी तरह से आप लोग किए होंगे और अच्छे से होमवर्क जो है कीजिए, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आप सॉल्व करें।